अगर मुझे ये पता करना है कि कितने दिन बचे हुए हैं, मतलब एक एक डेट से लेकर दूसरे डेट के बीच में कितने दिन हैं, तो उसके लिए वैसे तो हम काउंट भी कर सकते हैं मैनुअली, काउंट भी कर सकते हैं मैनुअली, पर उसके लिए एक नॉर्मल तरीका भी होता है कि गूगल में जाकर लिख दो कैलेंडर काउंट नंबर ऑफ डेज, ये बहुत सारी वेबसाइट खुल के आ जाएंगी। और ये फन फर्स्ट वेबसाइट है, डेट ड्यूरेशन कैलेंडर डेज बिटवीन डेट्स एंड टाइम एंड डेट। दो तरीके बताता हूँ, वैसे तो मैनुअली काउंट भी कर सकते हो, यहाँ पे काउंट डेज है, यहाँ पे एट डेज है, यहाँ पे वर्क डेज है, यहाँ पे ऐड है, ठीक है, ऐड वर्क डेज है, यहाँ पे वीक डेज हैं, यहाँ पे वीकेंड्स हैं, ठीक है, तो ये सब बताता है, सब बताता है। तो तुम यहाँ पे डेट्स लिख दो, यहाँ पे डेट्स वो कर दो, और जो भी तुम्हें पता करना है वो तुम पता कर लो। यहाँ पे वर्क डेज पता कर सकते हो, यहाँ पे वीकेंड्स पता कर सकते हो कि कितने वीकेंड्स आएंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मुझे ये पता, यहाँ पे ये सारी चीज़ें पता कर सकती हैं उन इन दो डेट्स के बीच में, स्टार्ट डेट एंड डेट के बीच में नंबर ऑफ डेज, ठीक है, वर्क डेज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, वीक डेज का कहते हैं और वीकेंड्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 220 डेज होंगे अगर मैं इंक्लूड कर दूँ 24 अगस्त को। अगर मैं पता करना चाहता हूँ कि 24 अगस्त 2020 से लेकर 1 अप्रैल 2021 तक, या फिर 31 मार्च 2021 तक कितने दिन होंगे, अगर मुझे ये पता करना है। और यहाँ पे ये बोल रहा है इंक्लूड एंड डेट इन द कैलकुलेशन, 1 डे इज एडेड, है ना, एक दिन कैलकुलेट हो जाएगा, तो कैलकुलेट ड्यूरेशन करेंगे। अरे अच्छा, 24 अगस्त 2020, 31 यार 31 8 नहीं है, अप्रैल करना है अपन को, सॉरी मार्च नहीं हुआ। इकतीस मार्च 2021 अब करना है ना, ये कैलकुलेशन के लिए ये ऐड कर देना, ठीक है। अब करेंगे तो 220 डेज आएंगे। अब ये बता रहा है कि इट इज़ 220 डेज फ्रॉम द स्टार्ट डेट टू एंड डेट, ठीक है, 7 7 मंथ 8 डेज हैं। ऑल्टरनेटिव टाइम यूनिट्स जो है, इतने सेकंड्स, इतने मिनट्स, इतने आवर्स, इतने डेज, इतने वीक्स एंड और इतने परसेंटेज ऑफ कॉमन ईयर, ठीक है, कॉमन ईयर, लीप ईयर नहीं, लीप ईयर में एक दिन 364 डेज होते हैं, ठीक है। एक मेथड तो ये है, दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड है कैलकुलेटर का मेथड। कैलकुलेटर में यहाँ पे ये एक होता है, ठीक है, एज करके, यहाँ पे तुम डेट ऑफ बर्थ डाल दो कि कितना है। फॉर एग्जांपल अपन ने किया था 24 अगस्त 2020, अपन ने चेक किया था कि 24 अगस्त, अभी एज भी कैलकुलेट करेगा कि तुम्हारे इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में कितने दिन कितने टाइम हो गया है, और ये भी कैलकुलेट करेगा कि मतलब इसमें इसमें भी एज भी कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ डेज भी काउंट कर सकते हैं। अब उनको पता करना है कि 31 मार्च तक कितने दिन हो गए, है ना। ये हालांकि ये तो तुम्हें एक दिन कम बताएगा, 30 नहीं भाई 31, वहाँ पे 220 दिन आए थे, यहाँ पे 219 दिन आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसमें क्या किया था कि अपन ने एक दिन को जो एंड एंड डेट था है ना, उसको कैलकुलेट कर लिया था, उसमें अपन ने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि जो एंड डेट है वो भी कैलकुलेट हो। जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है कि टू एंड डेट, एंड डेट इज़ इंक्लूडेड, एंड डेट को इंक्लूड करके रखा हुआ है, ठीक है, जबकि इसमें क्या हुआ है कि एंड डेट को इंक्लूड नहीं करके रखा हुआ है, इसीलिए 219 दिन है, हालांकि एक दिन का फर्क आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि है ना, इससे पता पड़ जाता है, और तो तुम खुद से भी कर सकते हो, है ना, शेयर भी कर सकते हो सब, ये सेम टू सेम ये पूरा स्क्रीन शेयर हो जाएगा व्हाट्सएप पे, जिस पे भी करना है।